सो आज का मार्केट का स्टेटस क्या है? लास्ट 24 टू 48 आवर्स वाज कंप्लीट बुलिश. तो सो फार मार्केट बुलिश था, लेकिन सेंटीमेंट जो इन्वेस्टर्स सेंटीमेंट है विच इज स्टिल अंडर अ ह्यूज रेड जोन. यस्टरडे इट वाज 27, डे बिफोर यस्टरडे इट वाज 25 एंड टुडे इट इज 26. मतलब कल का जो सेंटीमेंट था व्हेन बिटकॉइन वाज अप बाय 12%, सो आज डेफिनेटली सेंटीमेंट थोड़ा सा नीचे जाना ही था, क्योंकि बिटकॉइन is under a accumulation zone. Sideways movement mostly. कल रात से ऐसा कुछ भी upside movement Bitcoin पे नहीं दिखाई दिया है, but the best part is there is no downtrend as well. आप लोग अगर सोच रहे हो ऐसा tension भरे माहौल में Bitcoin कैसे bounce back कर सकता है, और ये क्या fake out है, और ये एक sustainable move towards the upside है, तो बस एक news से मैं start करना चाहता हूँ. Ukraine का एक citizen जिसका नाम है Danis, उसने कल को बिटकॉइन यूज किया है एक यूज्ड कार खरीदने के लिए, क्योंकि उसको यूक्रेन छोड़ के कहीं और जाना था. एट द सेम टाइम जब यूक्रेन का फोरेक्स मार्केट, यूक्रेन का मनी विड्रॉल, यूक्रेन का मनी ट्रांसफर सब कुछ बंद है, एट द सेम टाइम एटीएम पे जितना भी पैसा था सब कुछ विड्रॉ कर लिया गया है, लाइक रिमेम्बर पैंडेमिक के टाइम पे, दिस टाइम दिस गाय यूज्ड बिटकॉइन टू परचेस अ यूज्ड कार टू मूव आउट फ्रॉम यूक्रेन. Now, if you want to know what is the real value behind Bitcoin and how it can move in coming days, regardless of any political issue, regardless of any government ban, do not skip this video. Finish this video till the very, very end if you want to be a part of this positive revolution. Now comes to the global stock market. कल से लास्ट 24 आवर्स से डाउ जोन से स्टार्ट करके एप्पल, नैसडैक, S&P 500, टेस्ला सारे के सारे ग्रीन जोन पे है. सो नाउ द बेस्ट परफॉर्म्ड विच इज डाउ जोन्स, ऑलमोस्ट 850 पॉइंट से ऊपर है. एप्पल 2.11% अप है, जहां पर टेस्ला ऑलमोस्ट 10% अप है. बिटकॉइन के साथ साथ टेस्ला भी डे बिफोर यस्टरडे गिरा था, जहां पर बिटकॉइन 5% डाउन था, टेस्ला ऑन द सेम डे 7% डाउन था. लोग बोलते हैं बिटकॉइन सबसे ज्यादा वोलेटाइल है. एनीवे, नैसडैक जिसके साथ बिटकॉइन का चार्ट का कंपैरिजन होता है, नैसडैक भी ओवर 2.53% अप है. इट्स बीन होल्डिंग इट्स सपोर्ट जोन सिंस लास्ट डे. लास्ट डे भी 2.57% अप था, आज भी समर अराउंड 2.53% अप है. S&P 500 95.95 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स से अप है. नाउ बॉटम लाइन, ओवरऑल ऑल दोस मेजर स्टॉक्स सब कुछ बुलिश है. बिटकॉइन पे अगर 15 मिनट चार्ट में या फिर एक घंटे चार्ट अगर फॉलो करोगे, तो शॉर्ट टर्म पे बिटकॉइन इज लिटिल वोलाटाइल. आई नॉट से कि बेयरिश है, स्टिल बिटकॉइन इज होल्डिंग क्रूशियल जोन. मैं एंड ऑफ द वीडियो पे आता हूँ, बट सो फार एवरी मेजर स्टॉक्स इंक्लूडिंग बिटकॉइन इज परफॉर्मिंग बेटर देन लास्ट वन वीक. सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो शॉर्ट टर्म पुल बैक था जो सपोर्ट जोन से हर एक मेजर स्टॉक्स एंड बिटकॉइन को बम्स बैक मिला है, क्या ये बस कुछ ही दिनों के लिए, बस कुछ घंटे के लिए था, या फिर ये वाला पुल बैक विद इन नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में एक अपवर्ड ट्रेंड में बदल सकते हैं? एंड व्हाट इज द सेंटिमेंट, इज इट स्टिल बेयर डोमिनेंट सेंटिमेंट, और द सेंटिमेंट इज गोइंग टू चेंज इन कमिंग डेज अकॉर्डिंग टू द जियोपॉलिटिकल इश्यू, अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन? सो ये सब कुछ एनालाइज करेंगे आज के वीडियो में. सो स्टिक टू दिस वीडियो टिल द वेरी end. So hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. So before I go forward, smash on the like button to a new all-time high. Share this video with your friends and family. These are very important information. Like last few days, jitna bhi information pass hua hai is channel ke through, jitna bhi trend maine update diya hai, every information was worth sharing. So share this video with your friends and family if you feel comfortable or if you feel helpful. So before wasting any more time, let's get into today's main topic, coming 24 to 48 hours, कैसे जा सकता है? So now the global curiosity is, how come Bitcoin can outperform the entire stock market? It is quite evident, it is quite surprising कि ऐसा global conflict के time पे भी, जिस time 21st of century में ऐसे war के बारे में सोचना तो दूर के बात, हम लोग imagine भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा conflict, ऐसा geopolitical disaster time पे Bitcoin कैसे bumps back कर सकता है? There are
हंड्रेड्स ऑफ पॉजिटिव न्यूज जो एक्चुअल बिटकॉइन का रियल यूज केस दिखाता है। सो लास्ट वीडियो पे जब मैंने बोला था यूक्रेन का 4x मार्केट बंद है, यूक्रेन का मनी विड्रॉल बंद है, यूक्रेन पे मनी ट्रांसफर बंद है, तो इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन पे जितना भी बिटकॉइन इन्वेस्टर्स था दे आर ऑल यूजिंग बिटकॉइन एज देयर पेमेंट सिस्टम, चाहे कोई यूक्रेन छोड़ के कहीं और जाने के लिए हो या फिर शॉर्ट टाइम पे कुछ खरीदने के लिए हो, दे आर ऑल यूजिंग बिटकॉइन एज अ करेंसी इन दिस पॉइंट ऑफ क्राइसिस। लाइक ये न्यूज सुन के आप लोगों को एक्चुअल में पता चलेगा बिटकॉइन का वैल्यू कब आएगा। सो दानिश नाम का एक यूक्रेनियन सिटीजन दानिश रिपोर्ट्स ट्राइंग टू लीव यूक्रेन हैड टू बाय अ यूज्ड कार्ड विद बिटकॉइन एज ऑल कैश हैज बीन विथड्रॉल फ्रॉम द एटीएम। सो जस्ट लुक एट दिस न्यूज एंड लुक एट द यूज केस ऑफ बिटकॉइन। बस यही नहीं, जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है बिटकॉइन डोनेशन मतलब बिटकॉइनर्स जितना भी बिटकॉइन होल्डर्स है ऑल दोस बिटकॉइनर्स दे हैव डोनेटेड ओवर 5 million इन बिटकॉइन टू द यूक्रेन आर्मी, ताकि ये लोग ये सारे के सारे बिटकॉइन को यूज करके रशिया के अगेंस्ट और सही से लड़ पाए। बस ये 5 million ही खत्म नहीं था, 5 million आर्मी के फंड पे गया है अलोंग विद 3 million जहां पे यूक्रेन का एनजीओ है, 3 million डोनेशन यूक्रेन एनजीओ पे गया है। क्या ये सब काफी नहीं है बिटकॉइन के यूज केस के लिए? जब ग्लोबल करेंसीज फेल होता है तब बिटकॉइन का राइज होता है, दैट इज व्हाई बिटकॉइन वाज इन्वेंटेड। लाइक इंटरनेट वाज इन्वेंटेड एंड आल्सो इंटरनेट हैव मेनी रियल यूज केसेस एट द सेम टाइम हैज मेनी बैड साइड्स, सेम थिंग बिटकॉइन को भी अगर कोई चाहे तो इसको एक गुड वे में यूज कर सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड रशिया एंड चाइनीज ये लोग बिटकॉइन को गलत तरीके में यूज कर रहे हैं। सो दैट इज द केस हियर, चाहे गलत टाइम पे यूज करे या फिर सही टाइम पे यूज करे बिटकॉइन दैट इज व्हाई राइजिंग, बट इट डजंट मीन यू हेट बिटकॉइन जस्ट बिकॉज पुतिन इज यूजिंग टू डाइवर्सिफाई ऑल दिस चार्जेस अगेंस्ट रशिया। ये कॉन्फ्लिक्ट के चलते यूएस ने जितना भी चार्जेस लगा है पुतिन पे या फिर रशिया पे, ये सब कुछ को बाईपास करने के लिए पुतिन बिटकॉइन यूज करेगा। ये सब के चलते अगर बिटकॉइन का कोई हेट करता है एट द सेम टाइम दे शुड हेट इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के बाद ही बिटकॉइन आया है। तो ऐसे देखा जाए तो जितना भी नया इन्वेंशन है आफ्टर 90s सब कुछ को बैन करना चाहिए। सो दैट इज व्हाट द मेन इश्यू। सो बिटकॉइन हैज अ रियल लाइफ वैल्यू, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द वैल्यू यू आर ऑल सेट टू राइज अगेंस्ट दिस मार्केट वोलेटिलिटी। आपको ये मार्केट वोलेटिलिटी से कुछ आना जाना ही नहीं चाहिए जब आपको पता चल जाएगा व्हाट इज बिटकॉइन, व्हाट इट स्टैंड फॉर एंड आने वाले टाइम पे ये क्या से क्या कर सकता है। So that's it from my side guys. I hope you have enjoyed this video. Hopefully, मैं कुछ point clear कर पाया है कि Bitcoin क्यों इस time पे bounce back कर रहा है and Bitcoin क्यों continuously grow करेगा in coming days. No matter, कुछ भी चल रहा है इस दुनिया पे. So now it's time to like this video, subscribe this channel if you haven't subscribed it yet. Be a part of our Twitter and Telegram handle जहाँ पे every live update मिल जाएगा आप लोगों को. बहुत जल्दी मिलते हैं next update के साथ. Till then, take care. Dev signing off.